तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। बीजेपी से पूछोगे क्यों हुआ रेल हादसा, वो कहेंगे इसमें कांग्रेस का दोष। अमेरिका से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बोस पटेल जैसे NRI रहे भारत के निर्माता, लेकिन बीजेपी गोडसे की विचारधारा पर चल रही। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूछे 11 सवाल, CBI जांच पर जताया संदेह, के की रिपोर्ट पर भी मांगा जवाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। 20 जिलों में दिखाई गई ग्राफिक नावल। अमेरिका में लगे राहुल गांधी वापस जाओ किनारे, भारतीय अमेरिकी डायस्पोरा को संबोधित करने से पहले न्यूयॉर्क में खालिस्तान समर्थकों ने किया कांग्रेस नेता का विरोध। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने शिकायत ली वापस, पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान। पीएम मोदी के US दौरे से पहले भारत आए अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। यूपी के बाद उत्तराखंड के मंदिरों में भी प्रवेश के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड, छोटे कपड़ों में मंदिर नहीं आ सकेंगी लड़कियां। चार धाम यात्रा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, लगे 20 लाख लोगों की लाइन, 15 जून तक केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। नेपाल में बढ़ी मुस्लिमों की आबादी, हिंदुओं और बौद्धों की तादाद घटी, ताजा सरकारी आंकड़ों से हुआ खुलासा। ऐसे परिवार जिन्हें नहीं पता उनके परिजन जिंदा है या मर चुके, बालासोर रेल हादसे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। महाभारत के शकुनी मामा गुफी पटेल का निधन, 78 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। राम मंदिर परिषद में होगी 6 करोड़ पुरानी पवित्र नेपाल शिलाओं की पूजा, दरार के कारण नहीं बनी राम लल्ला की मूर्ति। रेलवे की मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों का बुरा हाल, सीटों से 6.5 करोड़ ज्यादा पैसेंजर, सुरक्षा संभालने वाले 1.82 लाख कर्मियों की कमी। चीनी अरबपति जोंग सेंसे ने गौतम अडानी को दिया बड़ा झटका, चीना एशिया के नंबर 2 अमीर शख्स का ताज मुकेश अंबानी टॉप पर बरकरार। प्रधानमंत्री के लिए रेलवे खिलौना, शिवसेना नेता संजय राउत ने बालासोर ट्रेन हादसे पर कहा रेल मंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा। देश भर में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, दिल्ली NCR व UP में बारिश के आसार, बंगाल झारखंड बिहार सहित कई राज्यों में हिट वेव का अलर्ट। राजस्थान में वोटर से सीधे जुड़ने के लिए बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान, 50 लाख पदाधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी। बिहार में भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल, दीवार 1700 करोड़ की लागत से हो रहा था तैयार, सामने आया तबाही का वीडियो। इमरजेंसी में कितने मरीज बचाए, मेडिकल कॉलेजों को देना होगा हिसाब, यूपी में चिकित्सा व्यवस्था सुधारेगी योगी सरकार। खुद की पंचायत में पहलवान लेंगे बड़ा फैसला, किसान गुटों की खींचतान दूर कर दिखाएंगे एकजुटता। यूपी के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद मिला न्याय, MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्र कैद की सजा। राजस्थान के उदयपुर में एक सातिर हैकर ने कंपनी का सर्वर किया है, 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा इस्लामिक देशों को बेचा, मचा हड़कंप। पत्नी से मिल सकते हैं पर नहीं मिलेगी जमानत, शराब नीति घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की याचिका। विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे विकासशील देश, बोले PM नरेंद्र मोदी। हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई, ओडिशा ट्रेन हादसे पर बोलते ही रो पड़े अश्विनी वैष्णव। 12 साल से ज्यादा उम्र वाले गायों को काटने की अनुमति देता है संविधान, गोहत्या विरोधी कानून को रद्द करने पर बोले CM सिद्धारमैया। विदेश से आए लोगों ने बनाया आधुनिक भारत, गांधी नेहरू अंबेडकर बोस तब NRI थे अमेरिका में, बोले राहुल गांधी। WTC फाइनल में सॉफ्ट सिग्नल हुआ खत्म, फील्डर भी हेलमेट में आएंगे नजर, ICC ने क्रिकेट के रूल्स में किए 3 बड़े बदलाव। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने खत्म किया आंदोलन, साक्षी विनय समेत बजरंग पुनिया काम पर लौटे वापस, ये बिल्कुल फर्जी न्यूज है जो पहलवानों के खिलाफ फैलाई जा रही है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 5 जुलाई को पेश कर सकते हैं राज्य का पहला बजट।
बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग मदद के लिए आए सामने। मृतकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का किया ऐलान। रेपो रेट में बढ़ोतरी पर रोक जारी रख सकता है आरबीआई। 8 जून को एमपीसी की बैठक के बाद होगा ऐलान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वे भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते, हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत को दोषी ठहराते हैं। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक हुई स्थगित। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शामिल होने से जताई असमर्थता। ओडिशा हादसे की हो सकती है सीबीआई जांच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे बोर्ड की तरफ से की गई सिफारिश। बालासोर हादसे के 3 दिन बाद ओडिशा में एक और रेल हादसा, बरगढ़ जिले में मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरी। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी पीओके में तैयार हो रही दहशतगर्द, पाक सेना ने दी पना। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेशी समकक्ष से की मुलाकात, सुरक्षा संबंधों में हुई चर्चा। द केरला स्टोरी के बाद विवादों में आई 72 हुरे आतंकवाद पर करती है करारी चोट। बालासोर ट्रेन हादसे में बचे 40 यात्री पहुंची अररिया, कहा अचानक बोगी पटरी से उतरने लगी, हम लोगों के डिब्बों का लोक खुला। भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा की जनता से वादा, 2 लाख रोजगार, फ्री बिजली, एमएसपी पर ज्यादा कीमत और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अमेरिकी कंपनी के चेयरमैन ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा मोदी ने भारत आना आसान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोले पीएम मोदी, बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा भारत। अब केवल हाथ में लेने से ही चार्ज हो जाएंगे आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप। ओडिशा में रेल हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही हुई शुरू, रेलवे ने ड्राइवर को दी क्लीन चिट, अश्विनी वैष्णव ने हाथ जोड़ रवाना की ट्रेन। बालासोर हादसे में लापता लोगों का जिक्र करते भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा अभी खत्म नहीं हुआ हमारा दायित्व। यूपी के प्रयागराज में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर छिड़ा विवाद, विपक्ष का आरोप, बीजेपी कर रही ब्रांडिंग। ओडिशा रेल हादसे में मृतकों के परिजनों की मदद के लिए आगे आई बंगाल की सीएम ममता, पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का किया ऐलान। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की गृह मंत्री अमित शाह से भेंट, अगले हफ्ते शपथ ले सकते हैं नए।